आज मैं आप लोगों को रैप राउंड स्कर्ट बताने वाली हूँ, ठीक है। रैप राउंड स्कर्ट ये हम कली में कट करेंगे और इसे स्टिच करेंगे, ठीक है। तो रैप राउंड स्कर्ट के लिए पहले तो हमें समझना है कि कली की कटिंग कैसे होगी। उसके लिए आपको वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेना है, ठीक है। वेस्ट राउंड का मेजरमेंट मेरा यहाँ पर 41 मेजरमेंट है और फुल लेंथ का मेजरमेंट लगेगा, ठीक है। फुल लेंथ मेरी 35 है। तो आपको रैप राउंड स्कर्ट में वेस्ट मेजरमेंट में आपको 10 इंचेस ऐड कर देना है, ठीक है। जितना भी आपका वेस्ट राउंड का मेजरमेंट है उसमें 10 इंच ऐड कर देना है, तो मेरा यहाँ पर 51 आ जाएगा, ओके। अब हमें ये कली में बनाना है तो हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं 8 कली लगाऊंगी, तो 8 कली के लिए जो ऊपर की कली का जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये कितना रहेगा। तो जैसे 51 को आपको डिवाइड करना है 8 से, तो जितना भी आपका आएगा डिवाइड होने के बाद वो आपका इसका मेजरमेंट रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा 6 वगैरह आएगा, 6 point something। तो उसके लिए आपको पहले लेंथ ले लेनी है, फुल लेंथ। अगर आप रैप राउंड स्कर्ट में ऊपर बेल्ट लगाते हो तो बेल्ट की लेंथ माइनस कर देनी है, ठीक है। 35 में से मैं 2 इंचेस माइनस कर रही हूँ बेल्ट की लेंथ, प्लस उसमें 1 इंच ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है। 35 में से मैंने माइनस किया 2 इंचेस और उसमें ऐड कर दिया 1 इंच। ये मैं आप लोगों को इंच में बता रही हूँ। अब आपको यहाँ नीचे जितने भी आपको फ्लेयर चाहिए, ठीक है, उतना आप यहाँ पर ले सकते हो। मैं 6.5 ले रही हूँ, मतलब 6 इंच मेरा फ्लेयर के लिए रहेगा और 1/2 इंच मेरा सिलाई के लिए, ठीक है। और वैसे ही इधर अभी ऊपर वेस्ट की साइड में हमें जो हमारा कैलकुलेशन आया है उतना लेना है, ठीक है। 6 इंचेस आया है तो 6 का आपको 1/2 लेना है। यहाँ पर 3 इंच पर ये माप लगा देना है, प्लस इसमें 1/2 इंच ऐड कर देना है, ठीक है। और अभी इसे ज्वाइन कर लेना है, इसके साथ ऐसे रख कर सीधा ज्वाइन कर लेना है। इसकी अब कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है, ओके। अभी ये मेरा कली का कटिंग हो चुका है। अब इसे फैब्रिक पर हमें प्लेस करना है और कट करना है, ठीक है। तो इसे प्रॉपर आपको इस तरीके से रखकर मार्किंग कर लेना है। इस तरीके से मार्किंग कर लेना है, ठीक है। ये मेरा वेस्ट वाली साइड है और ये बॉटम है, ठीक है। अब नेक्स्ट कली की जब कटिंग करेंगे तब आपको कली को इस तरीके से पलटाना है। अब यहाँ पर आपकी बॉटम आएगी और इधर वेस्ट, ठीक है। अब इसका भी मार्किंग कर लेना है। मार्किंग आपको ध्यान से करना है, ठीक है। इस तरीके से मार्किंग करके आपको कटिंग कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने 8 कली का मुझे करना है तो मैं 8 कली इसमें कट कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करके सारी कली का कटिंग करना है। ओके, तो ये मैंने कली की कटिंग कर ली है, ठीक है। अब इसे हमें लाइनिंग भी लगाना पड़ेगा, तो लाइनिंग के लिए मैं कॉटन का इस्तेमाल करूंगी और इसे सर्कुलर में कट करूंगी, ठीक है। तो सर्कुलर हाफ सर्कुलर कट करने वाली हूँ, तो मैंने फैब्रिक को ऐसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड कर लिया,
तरीके से आपको फैब्रिक को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर आपको मार्किंग लगा लेना, यहाँ पर आपको वेस्ट की मार्किंग लगानी है। जैसे कि हमारा वेस्ट ब्लाउज हमने 10 इंचेस ऐड करके दिया था तो वो 51 आया था, तो 51 का हमें 1/3 निकालना है। ठीक है, तो 51 का 1/3 कितना आएगा, 51 का 1/3। ठीक है, तो यहाँ से मैं 14 इंच पर एक मार्किंग कर देती हूँ ऐसे राउंड शेप में। इस तरीके से आपको ये मार्किंग कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको आपकी स्कर्ट की लेंथ लेनी है। ठीक है, हमारी 35 थी, हमने उसमें से 2 इंच माइनस किया था बेल्ट के लिए। ठीक है, तो 2 इंच माइनस करके जितना आता है उतना लेना है। तो 33 पर मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ और सब तरफ 33 ऐसे मार्किंग करके शेप लगा लेती हूँ। अब मैं इसे कट कर लूंगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा कम हुआ है, तो यहाँ पर हमें जॉइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जॉइन को कैसे लगाना है वो मैं बताऊंगी आपको वीडियो में। आपको एक ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा का कपड़ा लेकर यहाँ पर जॉइन कर देना है और फिर बाद में शेप में इसे कट कर देना है। ये इस तरीके से कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जॉइन लगाना है, बचा हुआ कपड़ा है उसे हम इस तरीके से रखकर, ठीक है, डबल कपड़ा लेना है, यहाँ से जॉइन कर सकते हैं और फिर बाद में इसे शेप में कट करें।